नमस्कार, मैं प्रिया। आज 31 दिसंबर यानी कि साल 2021 का आखिरी दिन। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक 2022 के पंजीयन और परीक्षा शुल्क जमा करने की तारीख बढ़ाई आगे। दूसरी डोज लेने के साथ ही इनाम पाने का आज है आखिरी मौका। बिहार में बच्चों का टीकाकरण शुरू करेंगे सीएम नीतीश। नए साल में पर्यटकों को मिलेगी ये 6 ऑनलाइन सुविधाएं। सुविधाओं से लैस होंगे बिहार के मूक बधिर और नेत्रहीन विद्यालय। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 254 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बिछेगी ऑक्सीजन पाइपलाइन। बीते कुछ दिनों से बिहार में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी दिख रही है और दैनिक मामलों में भी उछाल देखा गया है, जिसके बाद से ही बिहार में भी तैयारियां तेज कर दी गई है, जिसके तहत ही अब बिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर राज्य के चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना विकास निगम के माध्यम से पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए BMSICL द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य के ऐसे 254 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने के लिए चिन्हित किया गया है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक 2022 के पंजीयन और परीक्षा शुल्क जमा करने की तारीख बढ़ाई आगे। बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। अगर आपने अब तक साल 2022 में होने वाली मैट्रिक की परीक्षा को लेकर पंजीयन और परीक्षा का शुल्क जमा नहीं किया है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक 2022 के पंजीयन और परीक्षा शुल्क जमा करने की तारीख 5 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 28 दिसंबर तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 जनवरी कर दिया गया है। इसकी जानकारी सभी स्कूल प्रशासन को भेज दी गई है, इसीलिए जल्दी करें, क्योंकि जिन छात्रों ने शुल्क नहीं जमा किया होगा उनका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। दूसरी डोज लेने के साथ ही इनाम पाने का आज है आखिरी मौका। बिहारवासियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ही दूसरी डोज लेने वालों के लिए बिहार सरकार ने इनाम की घोषणा की थी, जिसकी आज आखिरी तारीख है, क्योंकि बिहार सरकार ने 27 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान कोरोना का दूसरा टीका लगवाने वालों को इनाम देने का ऐलान किया था, जिसके बाद 29,484 लोगों का चयन कर लिया गया है। हालांकि ध्यान रहे, इस पुरस्कार के योग्य वही लोग होंगे जिन्होंने टीके की दूसरी डोज ड्यू तारीख के 7 दिनों के अंदर ली हो। अगर फिर भी आपको टीकाकरण से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी है तो आप 104 पर कॉल कर सकते हैं। समाज सुधार अभियान के तहत सीएम नीतीश पहुंचे समस्तीपुर। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इन दिनों समाज सुधार अभियान में नजर आ रहे हैं। सीएम ने 22 दिसंबर को मोतिहारी से इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद उन्होंने गोपालगंज, सासाराम और मुजफ्फरपुर में यह यात्रा की, जिसके बाद ही अब वो बीते दिन समस्तीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जीविका दीदियों को संबोधित किया। समाज सुधार अभियान यात्रा में जिले के प्रभारी मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। समाज सुधार अभियान कार्यक्रम के दौरान जल जीवन हरियाली योजना के तहत 30 तालाब जीविका दीदियों को सौंपा गया, साथ ही मधुमक्खी पालन, नीरा का उत्पादन करने वाली जीविका दीदियों को सीएम ने प्रोत्साहित भी किया। इंटर पास छात्राओं को मिलेगा 25,000 रूपए। बिहार में इंटर की परीक्षा पास करने वाली छात्राओं के लिए खुशी की खबर सामने आई है। जल्द ही बिहार सरकार इंटर पास करने वाली छात्राओं के खाते में 25,000 रूपए भेजने वाली है। इसको लेकर राज्य सरकार ने 600 करोड़ रूपए जारी कर दिए हैं। वहीं सामान्य छात्राओं के लिए 30 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं, जिसके बाद अब 25,000 रूपए उन छात्राओं के खाते में भेजे जाएंगे जो अविवाहित हैं। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्डों से इंटर पास करने वाली सभी अविवाहित छात्राओं के खाते में 25,000 की राशि भेजी जाएगी। जानकारी के मुताबिक 4 लाख से अधिक छात्राओं को इस प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलने वाला है। 355वें प्रकाश पर्व पर रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सुविधा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 355वें प्रकाश पर्व को लेकर बिहार में तैयारियां तेज है। वहीं अब प्रकाश पर्व को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भी बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत रेलवे ने 23 जोड़ी ट्रेनों को पटना साहिब स्टेशन पर अस्थायी रूप से ठहराव करने का फैसला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब यह ट्रेन पटना साहिब स्टेशन पर भी रुकेगी। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2022 से होगी और 15 जनवरी 2022 तक जारी रहेगी। मध्य पूर्व रेलवे ने इसको लेकर जानकारी दे दी है।
मिली जानकारी के अनुसार 23 जोड़ी ट्रेनों को 2 मिनट के लिए अस्थायी रूप से पटना साहिब स्टेशन पर रोका जाएगा। इस संबंध में पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। नए साल का शीतलहर से होगा स्वागत। बिहार में लगातार 2 दिन हुई बारिश के बाद बीते दिन भी कई जिलों में बारिश देखने को मिली, जिसके बाद से ही बिहार वासियों को ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं नए साल का स्वागत भी शीतलहर के साथ होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा का प्रवाह बने होने के साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र मध्य उत्तर प्रदेश के आसपास है। प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरे का कहर रहने वाला है। वहीं 31 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है। इस बारिश से रबी फसलों को फायदा होने की उम्मीद है। हालांकि इन सब के बीच इस मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील जरूर की है। बिहार में तैयार हो गया पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। बिहार का पहला सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जिसके तहत दरभंगा जिले के कादिराबाद मोहल्ले में राज्य का यह पहला तैरता पावर प्लांट होने वाला है, जो कि एक तालाब के पानी में लगाया गया है, जिसके नीचे मछली का उत्पादन किया जाएगा और तालाब के ऊपर सोलर प्लांट लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस सोलर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाना है। प्रयोग सफल होने पर इसे और तालाबों में विस्तार भी किया जाएगा। इस पावर प्लांट की खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होगा और न ही तालाब की बनावट के अलावा मछली पालन करने में कोई छेड़छाड़ किया जा सकेगा। जल्द ही जारी होगी बिहार पुलिस SI भर्ती परीक्षा की आंसर की। 26 दिसंबर को बिहार पुलिस में SI और सार्जेंट के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई प्रारंभिक लिखित परीक्षा की आधिकारिक आंसर की को जल्द ही जारी किया जाना है। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन आंसर की अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर अपलोड करेगा। परीक्षार्थी bpssc.bih.nic.in पर जाकर अपने प्रश्न पत्र की आंसर की चेक कर डाउनलोड कर सकेंगे। ये भर्ती परीक्षा बिहार पुलिस में दरोगा और सार्जेंट के 2213 पदों पर भर्ती के लिए हो रही थी, जिसमें करीब 6 लाख परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। में बच्चों का टीकाकरण शुरू करेंगे सीएम नीतीश। बिहार में तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों को वैक्सीनेट करने की तैयारी हो रही है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और प्रत्यय अमृत ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिहार में 97% लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 87% एलिजिबल लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू होगा। इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार खुद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि बिहार में इस बार ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पूरे राज्य में 125 PSA प्लांट में 120 क्रियाशील PSA प्लांट से 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। मेडिकल कॉलेज में लगाए गए क्रायोजेनिक टैंक के माध्यम से 308 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता हासिल कर ली गई है। नए साल में पर्यटकों को मिलेगी ये 6 ऑनलाइन सुविधाएं। नए साल की शुरुआत होने वाली है। हालांकि नए साल में इस बार कुछ रोक टोक तो जरूर लगा दी गई है, लेकिन नए साल से पर्यटकों को बिहार सरकार की तरफ से कई ऑनलाइन सुविधाएं मिलने वाली है। पर्यटन विभाग की वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है। काम पूरा होने के बाद सभी पर्यटकों को ऑनलाइन पर्यटन क्षेत्र की तस्वीर और शॉर्ट वीडियो देखने का मौका मिल सकेगा, जिसके तहत ही अब पर्यटक आने से पहले होटल, गाड़ी, गाइड, टूर पैकेज, रेस्टोरेंट की सुविधा और रोपवे की बुकिंग सहित अन्य सुविधाएं बुक करा पाएंगे। इसको लेकर विभाग की वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है, ताकि पर्यटकों की जानकारी विभाग के पास भी रहे। इस संबंध में विभागीय स्तर पर समीक्षा बैठक की गई है। इस बाबत पर्यटन विभाग मंत्री नारायण प्रसाद ने बताया कि पर्यटकों की भीड़ राज्य में हर साल बढ़ रही है, इसी कारण से अगले साल से विभाग 6 से अधिक सुविधाएं ऑनलाइन शुरू करेगा। अब बिना मास्क के दुकानों और प्रतिष्ठानों में नहीं मिलेगा प्रवेश। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से ही अब बिहार सरकार ने भी तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसका असर अब बाजार में भी दिखने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष PK अग्रवाल ने शहर के दुकानदारों से अपील की है कि बिना मास्क लगाए किसी भी ग्राहक को अपनी दुकान में प्रवेश नहीं दे। दुकान पर बगैर मास्क आए खरीदारों को मास्क बांटने की भी व्यवस्था करे। दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनका कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।
अब तेज गाड़ी चलाने वालों पर चलेगी रडार गन। बिहार सरकार भले ही बिहार के कई शहरों में सड़कों का जाल बिछाने में कामयाब हुई हो, लेकिन लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से विफल नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि आए दिन सड़क दुर्घटना की जानकारी निकल करके सामने आती रही है, जिसको लेकर ही अब पटना में सख्ती बढ़ाई जानी है। मिली जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना में हो रहे इजाफे के तहत ट्रैफिक पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है। प्रभारी ट्रैफिक एसपी अम्बरीश राहुल ने बताया है कि अब तेज वाहन चलाने वालों पर रडार गन चलेगी और नियम तोड़ने वालों से 2 से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके लिए 3 फ्लाईओवरों को चिन्हित किया गया है, जिसमें अटल पथ, बेली रोड फ्लाईओवर और आर ब्लॉक जीपीओ फ्लाईओवर शामिल है। बिहार में अब तक शराबबंदी के इतने लाख मामले हो चुके हैं दर्ज। बिहार में शराबबंदी कानून कहने को साल 2016 से ही लागू है, जिसके बाद दुकानों पर ताला लगवाने में बिहार सरकार भले ही सफल रही हो, लेकिन शराब के सेवन से रोग के मकसद को पूरा करने में नाकामयाब रही है। यही कारण है कि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें शराबबंदी कानून की फजीहत उड़ने का प्रमाण दे दिया है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार ने हार नहीं मानी है और नए सिरे से बिहार में इस कानून को लागू करने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत ही सख्ती दिखाई जाने के बाद अब तक बिहार में 3,48,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं और 4 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। साथ ही 1,93,75,000 लीटर से ज्यादा देसी और विदेशी शराब जब्त की जा चुकी है। इसके अलावा शराब पार्ट या फिर अवैध गोदाम या ऐसे अन्य मामलों में 4,300 के आसपास मकान और प्लॉट जब्त किए गए हैं। इनमें 2,000 मकान या प्लॉट की नीलामी तक हो चुकी है। 7 दिनों में सड़कों की मरम्मत नहीं हुई तो होगी कार्रवाई। ग्रामीण सड़कों और पुलपुलिया के मरम्मत संबंधी मामलों का निवारण, जो कि राज्य में लोक शिकायत में आए हैं, उसका निवारण 60 कार्य दिवस में कर लेना है। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई तय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा के बाद इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग ने अपने सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश जारी किया है। वर्तमान समय की बात करें तो सभी जिलों में मेंटेनेंस के लिए इस तरह के लोक शिकायत में करीब 529 मामले लंबित है। इनमें से करीब 45 मामले केवल पुलपुलिया के बारे में है। सड़कों के बारे में सबसे अधिक 78 मामले मधुबनी जिले से हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 57 मामले पटना जिला के हैं और अब विभाग ने लोक शिकायत के माध्यम से प्राप्त मामलों का निवारण जल्द से जल्द करने का निर्देश दे दिया है। सुविधाओं से लैस होंगे बिहार के मूक बधिर और नेत्रहीन विद्यालय। बिहार के सभी मूक बधिर और नेत्रहीन छात्रों की पढ़ाई और ज्यादा विकसित तरीके से होने वाली है, क्योंकि बिहार के सभी मूक बधिर और नेत्रहीन विद्यालय अब सुविधाओं से लैस होने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में इसको लेकर समाज कल्याण विभाग ने 4 करोड़ देने का निर्णय लिया है। विभागीय स्तर पर इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है, जिससे कि स्कूलों को बेहतर किया जा सके। साथ ही वहां पढ़ने वाले छात्र छात्रों को भी सभी सुविधा मिल सके और उनकी पढ़ाई बेहतर ढंग से हो सके। मिली जानकारी के अनुसार छात्रों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसको लेकर सरकार ने फैसला लिया है कि इन विद्यालयों में नेत्रहीन और मूक बधिर लोगों को ही रखा जाएगा, ताकि काम करने में एक रूपता आ सके। इसको लेकर विभाग को मिले विज्ञापन के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही इनके स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी, किताब और कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। बिहार के 70,000 स्कूलों का हुआ पंजीकरण। बिहार भर के लगभग 70,000 स्कूलों के रजिस्ट्रेशन का काम बिहार स्वच्छ विद्यालय योजना के तहत कर दिया गया है, जिसके तहत अब जिस स्कूल का भी प्रदर्शन बेहतर होगा, उन स्कूलों को प्रखंड, जिला और राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से यूनिसेफ की मदद से इसकी शुरुआत कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसके लिए राज्य भर के सरकारी स्कूलों को शामिल होना है, जिसके बाद साफ सुथरा, शुद्ध पेयजल आदि क्षेत्रों में बेहतर करने वाले स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा। बड़े बड़े शहरों से आगे निकला पटना। housing.com ने हाल ही में होम बायर की गतिविधियों में बढ़ोतरी को लेकर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश भर से कई शहरों के नाम सामने आए हैं। हालांकि चौंकाने वाली बात यह रही कि इस सूची में राजधानी पटना का नाम भी शामिल है। housing.com के IS इंडेक्स के अनुसार पटना, सूरत और जयपुर जैसे शहरों में 2021 में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बाद होम बायर की गतिविधि में बढ़ोतरी देखी गई है। इन शहरों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी खोज में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं सूरत, जयपुर, पटना, मोहाली, लखनऊ और कोयम्बटूर जैसे शहरों में रियल एस्टेट गतिविधियों में काफी तेजी आई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार 2 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की संपत्तियों की ऑनलाइन सर्च में काफी बढ़ोतरी हुई है। बिहार में अब मोतियाबिंद शिविर के लिए लेनी होगी अनुमति। हाल ही में मुजफ्फरपुर में हुए आई हॉस्पिटल कांड से सबक लेते हुए बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने मोतियाबिंद शिविर लगाने को लेकर नियम कानून जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अब किसी भी संस्था या व्यक्ति को बिहार में मोतियाबिंद के इलाज के लिए शिविर लगाने से पहले स्वास्थ्य विभाग से अनुमति लेनी होगी। अनुमति लेने के बाद आयोजन स्थल और उसके ऑपरेशन स्थल और मशीनों का भौतिक सत्यापन होगा। सब कुछ अगर सही रहा तो ही आयोजकों को मोतियाबिंद शिविर आयोजित करने की अनुमति मिलेगी। आयोजकों को मोतियाबिंद शिविर आयोजित करने की
अनुमति मिलने के बाद ही आगे की कोई भी प्रक्रिया करवाने का आदेश दिया गया है। कोरोना की लड़ाई में मददगार होंगे अब राजधानी के 3 नए अस्पताल। बिहार में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बीच राजधानी पटना को 3 नए सरकारी अस्पताल की सौगात मिल गई है, जिसके तहत धनरुआ प्रखंड के कोस्तो में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2 नए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दानापुर के मुबारकपुर और राजापुर पुल पर बना अस्पताल मरीजों के लिए तैयार हो गया है। इसको लेकर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की बैठक की जिलाधिकारी ने विभिन्न मद से प्राप्त राशि की मॉनिटरिंग कर खर्च में प्रगति लाने का भी इस दौरान निर्देश दिया है। तेजस्वी को मिला पासपोर्ट, विदेश यात्रा पर जल्द ही हो सकते हैं रवाना। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार लौट आए हैं। वहीं बिहार आने के साथ ही उन्हें बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पासपोर्ट ईडी ने वापस कर दिया है, लेकिन अभी भी उनकी पासपोर्ट की समस्या खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म है। अब इसके रिन्यूअल के बाद ही तेजस्वी विदेश यात्रा पर कहीं भी जा सकेंगे। राहत की बात यह है कि उनका पासपोर्ट पटना से ही बना हुआ है, इसलिए इसका रिन्यूअल भी पटना में ही होगा। ऐसे में उन्हें पासपोर्ट के लिए इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं होगी। सूत्रों की माने तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ईडी को उनका पासपोर्ट वापस करने की अर्जी दी थी। उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए ईडी ने उनका पासपोर्ट वापस कर दिया है। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बड़ी तैयारी में जदयू। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, यह मांग आप भी बीते कई दिनों से सुन रहे होंगे। हालांकि बिहार की इस मांग पर केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगी यह तो साफ नहीं है, लेकिन भाजपा के कई नेताओं ने इशारों में बिहार सरकार की इस मांग को फिजूल बताया है, जिसके बाद अब बिहार सरकार अपनी इस मांग को खास अंदाज में पेश करने वाली है। जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह की बातों से तो यही संकेत मिल रहा है। ईटीवी भारत से बीते दिन बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा है कि जदयू आगे की रणनीति तैयार कर रहा है, क्योंकि बिहार विशेष राज्य के दर्जे की कसौटी पर खड़ा उतरता है। नीतीश कुमार के शासनकाल में प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास के कार्य हुए हैं, इसके बाद भी हम विकसित राज्यों की श्रेणी से काफी पीछे हैं। केंद्र को इस पर विचार करना होगा। बोले ललन सिंह, अब अटल अडवाणी का दौर नहीं। विपक्ष भले ही एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने के दावे करती आई हो, लेकिन भाजपा और जदयू बार बार ऑल इज वेल के संकेत ही देते रही है। हालांकि अब जदयू की बात से गठबंधन का दर्द छलकता दिख रहा है, क्योंकि गठबंधन धर्म को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने दिल का दर्द बयान किया है। इस दौरान जदयू अध्यक्ष ने इस बात को बड़ी बेबाकी से कबूल लिया है कि अब की भाजपा अटल और आडवाणी वाली भाजपा से कई मायनों में अलग है। भाजपा की मौजूदा कार्यप्रणाली और गठबंधन धर्म निभाने का तरीका उस दौर का नहीं दिखता, जब वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी हुआ करती थी। ललन सिंह ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश इसका उदाहरण है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम को मिली शानदार जीत। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला सेंचुरियन में खेला गया। बीते दिन टेस्ट मैच का आखिरी दिन था और भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत थी और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 211 रन बनाने थे। साउथ अफ्रीका ने इस मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 94 रन बनाए थे। पांचवें दिन साउथ अफ्रीकी टीम ने दूसरी पारी में 68 ओवर में 10 विकेट पर 191 रन ही बनाने में कामयाब हो सकी। इस तरह से भारत यह टेस्ट मैच 113 रन से जीतने में कामयाब रही। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। पेशवा बाजीराव द्वितीय को 1802 में ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 1929 को लाहौर में पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन शुरू किया। राजीव गांधी 1984 में 40 वर्ष की उम्र में भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। भारत ने 2001 में पाकिस्तान को 20 वांछित अपराधियों की सूची सौंपी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति फर्नांडो रुआ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। भारत और सार्क के दूसरे देशों के विदेश सचिवों ने 2003 में शिखर सम्मेलन से पहले वार्ता शुरू की। बिहार के मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण वल्लभ सहाय का 1898 में जन्म हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का 1926 में निधन आज के दिन हुआ था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विकास कुमार सिंह, माही आनंद, चंदवीर यादव, विजय घायल, अनंत कुमार, मुकुल कुमार सिंह, संतलाल यादव, राज इंटरनेट, रूपम कुमारी, संजय कुमार, गौतम कुमार, राजीव कुमार, कुमार राहुल, शहीद आलम, नरेश कुमार बिंद, प्रिया यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए क्या आप कोरोना से बचाव को लेकर जारी किए गए नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।